पुतिन ने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दिया कि वो इस एक्ट को बहुत गंभीरता से लेने वाले हैं और किसी भी तरह से प्रिगोजिन को माफ करने वाले नहीं है। पुतिन ने बहुत ही गंभीर और सख्त बातें कही। आइए पुतिन की बड़ी बातें क्या है वो जरा देख लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। पुतिन का ऑर्डर प्रिगोजिन का अंत निकट है, गद्दारों को सजा देंगे, जिसने भी गद्दारी की उसे खत्म कर दो, सेना को यह साफ कर दिया है। मैंने अपने सभी कमांडर से बात कर ली है और हमारे सैनिक हीरो की तरह लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रवि, बिल्कुल, गद्दारों को सजा देने की वो बात कह रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो चेतावनी है मेरी तरफ से वो क्या जानी चाहिए, वो क्या संदेश दे रहे हैं। तो धोखे और धमकियों से विद्रोह की कोशिश हुई, ये ऐसा करने वालों को चेता रहे हैं। ये रूस और रूस के लोगों के खिलाफ धोखा है, जिन्होंने धोखा दिया है हम उन्हें जवाब देंगे। ये पुतिन का दो टूक संदेश है उनके लिए जो इस वक्त सेना के खिलाफ खड़े। और इसके साथ साथ नसीहत भी है, धमकी भी, चेतावनी भी और साथ में नसीहत। नसीहत क्या है कि छोटे छोटे आपसी मतभेद को त्यागना ही होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी बड़ी बात क्या कहा है कि रूस अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है और इसके बीच में जो आएगा वो निस्तनाबूत हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात, रूस पे दोबारा विभाजन नहीं होने देंगे, ये क्रांति जैसा है और हमारे अस्तित्व पर अगर संकट आएगा तो हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रवि, निपटने के लिए काफी सख्ती बरती जाएगी, जो कह रहे हैं निजी महत्वाकांक्षा में देश से गद्दारी हुई, आतंकी ब्लैकमेल करने वालों को दंडित करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि रूस को बटने नहीं देंगे, रूस को हम डिवाइड नहीं होने देंगे। तो ये तमाम बातें पुतिन की तरफ से कही गई हैं, जिसमें चेतावनी भी है, जिसमें वार्निंग है, सख्ती भी है और जिसमें सीधे तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि क्या सजा होगी उनकी जो रूस के खिलाफ खड़े हैं इस वक्त। राठौर सर, ये जो मैसेजेस हैं पुतिन के, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आ रही? इतना दो टूक कह दिया, गद्दार कह दिया, टेररिस्ट कह दिया, अब जान से मारने की भी बात कही जा रही है, प्रिगोजिन नहीं समझ पा रहे, इतनी बुद्धि नहीं है या फिर कुछ और बात है? देखिए रवि, अब प्रिगोजिन ने एक ऐसा स्टेप उठा लिया है जिससे वापस आना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। नहीं, ऑफर तो था वापसी का, उस ऑफर के बाद भी अगर वो वापस भी आते तो वो बात नहीं रहती, वो सर्टेनली वो साइबेरिया में ही मिलते। अब वो एक ऐसी जगह आगे पहुंच गए हैं जिसके आगे वो पीछे नहीं आ सकते और मुझे लग रहा है कि बिग पिक्चर अभी अनफोल्ड होना बाकी है। जितनी कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं कि रूस को एक नया प्रेसिडेंट मिलने वाला है और बाकी चीज़ें वो कह रहे हैं, इसके मतलब ये प्रिगोजिन के अकेले का प्लान नहीं है। एग्जैक्टली, इसी आज की रात मेरे ख्याल से कुछ और अनफोल्ड हो सकता है। और वही बात पुतिन जो दावा कर रहे हैं सर, उस दावे में दम नजर आता है क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास फोर्सेस है, उनके पास तमाम चीजें हैं। लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रमजान कादिरोव ने प्रिगोजिन का साथ छोड़ दिया, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले रवि कर रहे थे और मनीष भी इसका जिक्र करते हुए नजर आए। यह बड़ी खबर है, चेचन्या आर्मी के प्रमुख है रमजान कादिरोव, हर मौके पर प्रिगोजिन का साथ देने वाले रमजान कादिरोव, इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ, उनका हाथ दोनों छोड़ दिया है। पुतिन के विरोधियों को हम कुचल देंगे, मतलब चेचन कमांडर्स भी रशियन फोर्सेस का साथ देंगे और इस पूरी लड़ाई में प्रिगोजिन के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। पुतिन के एक एक शब्द से मैं सहमत हूं, रमजान कादिरोव ने साफ कर दिया है। मनीष, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो ब्रेकिंग भी सामने आ गई है और ये इशारा दे रहा है कि मौत बहुत निकट है प्रिगोजिन के, लेकिन उसके बावजूद उनके रुख में परिवर्तन नहीं आ रहा है, वजह क्या है? अब आप देखिए कि प्रिगोजिन को हीरो मानने वाले या प्रिगोजिन को हमेशा साथ देने वाले लोग कैसे एक के बाद एक अलग हो रहे हैं। रमजान कादिरोव या क्रीमिया के गवर्नर ऑक्सिनोव, ये सब उनमें से एक हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने चेचनिया आर्मी को भी लड़ते देखा है, मैंने वैगनर फाइटर को भी लड़ते हुए देखा है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो रमजान कादिरोव की सेना प्रिगोजिन की लड़ाके के सामने कुछ भी नहीं है। और इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में चेचनिया आर्मी जब रूसी सेना के साथ वहां पर रहेगी और वो वैगनर आर्मी से लड़ेंगे, ये मत भूलिए कि वैगनर लड़ाके बहुत सारे ऐसे हैं जो रमजान कादिरोव को पसंद करते हैं, बहुत सारे रूसी सेना के लोग थे जो प्रिगोजिन को पसंद करते थे। तो ये जो एक इंटरनल यहां पर जो अंतर्द्वंद दिख रहा है, उसके बीच में से होगा यही कि प्रिगोजिन और उनके कुछ कीमत के लोग। एक बात और मैं जोड़ दूं यहां पर,
जल्दी मेरी जानकारी के मुताबिक यूक्रेन से रोस्तोव बॉर्डर क्रॉस करके 1700 गाड़ियां आई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये स्थिति बन रही है। हम देखिए समय की कमी है मनीष, हम लौटेंगे आपके पास, समय की कमी है, लेकिन इतना साफ है कि पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है, स्थिति पल पल बदल रही है।